कॉफी पर एक निबंध। कॉफी बहुत ही स्वादिष्ट पेय पदार्थ है, लेकिन भारत में लोग अभी भी चाय और चाय वाले के दीवाने ज्यादा हैं। हालांकि धीरे धीरे कॉफी ने भी भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारत में एस्प्रेसो बेस्ड कॉफी कल्चर की लोकप्रियता हुई कैफे कॉफी डे के खुलने से। उस समय कुछ भारतीय एस्प्रेसो को एक्सप्रेसो भी बोलते थे, लेकिन इसमें जरा भी इन्फीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अमेरिकन भी स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकामुंडन भी बोलते हैं। कुछ सालों बाद स्टारबक्स भी आया, जिसके कप पे अपना नाम देखकर भारतीय ऐसे गौरवान्वित महसूस करने लगे मानो कि उनका नाम स्टारबक्स के कप पे नहीं बल्कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप पे लिखा हो। स्टारबक्स की बेकार कॉफी को एंजॉय करने के लिए लोग कप की फोटो सोशल मीडिया में डाल के अपने लिविंग लाइफ किंग साइज जीने की घोषणा करने लगे। सोशल मीडिया का वैलिडेशन स्टारबक्स की वाहियात कॉफी पे खर्च किए हुए पैसों के दर्द कम करने के लिए आयोडेक्स बाम की तरह काम करने लगा। हालांकि देश के ज्यादातर लोग अभी भी सदाबहार शादी वाली कॉफी ही पीना पसंद करते हैं। शादी वाली कॉफी में जीभ जलना अपने आप में एक फिलोसॉफिकल अनुभव है। जीवन में ऊपर के खुशनुमा झाग देखकर जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उन्हें अंत में दर्द का सामना करना पड़ता है। ईस्टर्न फिलोसोफर अमिताभ भट्टाचार्य ने चाय और कॉफी दोनों पर एग्जिस्टेंशियल गीत लिखे। चाय को लेकर उन्होंने युवक की बिगड़ती हुई मानसिक अवस्था पे गीत लिखा कि चाय में डूबा हुआ बिस्कुट हो गया, मैं तो एवे 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 ही लुट गया। तो वहीं कॉफी के बारे में उन्होंने एग्जिस्टेंशियल गीत लिखा कि मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, जिंदा हूं यार कॉफी है।